Today we're going to discuss about the general trend in the properties of compound of alkali and alkaline earth metals. अब इन दोनों के जो compounds होंगे उनके बारे में हम discuss करेंगे और basically जो general trend है वो किस तरह से चलता है. So let's start first of all about the oxides. Alkali metal oxides dissolve in water. पहला point क्या है, इनके जो metal oxides हैं वो क्या हो जाते हैं, dissolve in water to give strong alkaline solution. क्या देते हैं, strong alkaline solution देते हैं. For example, जैसे lithium oxide को water में आप dissolve करते हैं तो आपको क्या मिलता है, lithium hydroxide. Number two, इसी तरह sodium oxide जैसे ही dissolve होगा तो ये आपको water मिलेगा. और sodium hydroxide के साथ आपको क्या दे रही है, oxygen मिल रही है water के साथ reaction के बनने पर. The reaction of an alkali metal oxide with water is an acid-base reaction and not an oxidation-reduction reaction. ये बड़ी अहम बात है, इसको समझिएगा क्या कह रहा है. दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ. The reaction of an alkali metal oxide with water is an acid-base. ठीक है, ये acid और base reaction है. जबकि इसको आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे ये oxidation और reduction reaction हो रही है. ठीक है, since no element undergoes a change in the oxidation number. Reason क्या है, हम क्यों नहीं कह सकते कि ये oxidation और reduction नहीं है, क्योंकि किसी की भी जो oxidation state है यानी कि वो plus है या minus है या electron का gain और lose उसमें नहीं हो रहा. तो जिस वजह से हम कहते हैं कि ये acid based reaction है, instead we going to say that this is an oxidation and reduction reaction. यहाँ तक कोई question है, you can raise your hand, otherwise type no. हरी अप. ओके जी. बाबा. The reaction simply involves the decomposition of water molecule by an oxide ion. बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे वाटर की क्या हो रही है, डीकम्पोजिशन हो रही है और आपको क्या चीज़ देता है, ऑक्साइड आयन मिल रहे हैं यहाँ पे. सो ये इक्वेशन में बड़ा क्लियर है, जहाँ पे ऑक्सीजन एक्वस सॉल्यूशन में है जबकि जो आपके पास वाटर है वो लिक्विड में है. तो जैसे ही वो इससे रिएक्ट करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप कह लें कि आपको यहाँ पे मिल रहे हैं. वेलकम जी एवरी वन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे पैराग्राफ में यहाँ पे क्या बता रहा था, बेसिक करैक्टर ऑफ अल्कलाइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप. जैसे ही हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, जो करैक्टर है अल्कली मेटल्स का, बेसिक करैक्टर वो क्या करता है, इंक्रीज करता है. अंडरलाइन कीजिएगा इसको, द बेसिक करैक्टर ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप. पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज इन ब्रीथिंग इक्विपमेंट फॉर माउंटेनियर्स एंड इन द स्पेसक्राफ्ट, यानी कि जो जाते हैं बुलंदी पे जाते हैं वहाँ पर, और जो आप कह लें कि जिसमें स्पेसक्राफ्ट में जाते हैं वहाँ पे ये इनको बहुत हेल्प देती है. इट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड वाइल गिविंग आउट ऑक्सीजन एट द सेम टाइम. तो यहीं से आप देख लें कि इंसान जब सांस लेता है उस दौरान वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सहेल यानी कि आउट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब यहाँ से आप समझिएगा इसको कि जैसे ही इसमें ये एबिलिटी है कि ये कन्वर्ट कर देती है इसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और वहां पे क्या देती है, ऑक्सीजन देती है. तो इसलिए ये ब्रीथिंग जितने भी आपके इक्विपमेंट है, स्पेशली जहाँ पे आप स्पेसक्राफ्ट में है या ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पे इसको ऐड किया जाता है ताकि ये कन्वर्जन में आपको ऑक्सीजन दे. ये देखें KO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, गैस को अब्सॉर्ब कर रही है, दोबारा सॉलिड में K2CO3 बना रही है और आपको यहाँ पे ऑक्सीजन की लिब्रेशन हो रही है यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे आउट हो रही है दोबारा से. द सोलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड इन वाटर इंक्रीज डाउन द ग्रुप. इसी तरह से जैसे ही मेटल ऑक्साइड्स हैं, अर्थ मेटल ऑक्साइड्स हैं, वाटर में इंक्रीज कर जाते हैं डाउन द ग्रुप में. जैसे BeO एंड MgO आर इनसोलेबल, बट कैल्शियम ऑक्साइड
strontium oxide and barium oxides are soluble and react with water to form the corresponding hydroxide. जबकि ये इनके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. अंडरलाइन कीजिएगा इसको. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहा है जी, द बेसिक करेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अब ये बता रहा है आपको बेसिक ऑक्साइड्स किसके, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, इंक्रीज डाउन द ग्रुप. इनका भी जो बेसिक करेक्टर है ये क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है जब आप कहाँ जाते हैं, डाउन द ग्रुप, यानी कि एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं. टेंडेंसी फॉर ग्रुप सेकेंड ए ऑक्साइड टू फॉर्म अल्कलाइन सोल्यूशन इज रिलेटिवली लेस देन दैट ऑफ अल्कली मेटल. यहाँ पे ये एक हमें टेबल दिखा रहा है, इसको समझिएगा, जो कि आपको बड़ा ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेगा. ग्रुप वन और ग्रुप टू क्या बताएगा, यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड बेसिक है, सोडियम ऑक्साइड बेसिक है, पोटेशियम ऑक्साइड बेसिक है. इसी तरह अगर आप इसको देखते हैं, ब्रिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक यानी कि उसमें क्या है, दोनों करेक्टर है, बेसिक भी और एसिडिक भी, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है. मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक. ये क्या बात बता रहा है, इंक्रीजिंग बेसिक सिटी ऑफ द ऑक्साइड, यानी कि अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये बढ़ती है. यानी कि अगर आप देखिए एम्फोटेरिक है, यहाँ पे उसने लाइट सा बेस किया हुआ है, जबकि बिल्कुल नीचे जाके स्ट्रॉन्ग बेस होगी. इसी तरह इंक्रीज बेसिक सिटी ऑफ द ऑक्साइड, और इसी तरह से राइट से लेफ्ट मूव करने में भी इनकी बेसिक सिटी जो है वो इंक्रीज करती है. यहां तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. एवरीवन वेल डन, वेल डन, वेरी नाइस, बेहतरीन हो गया जी, माशाल्लाह, वेल डन. ओके, BeO इज एम्फोटेरिक, जैसे ब्रिलियम ऑक्साइड की बात बता रहा है, एम्फोटेरिक इन नेचर सिंस इट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस. जबकि ये दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है, एसिड्स के साथ भी और बेसिस के साथ भी. यहाँ पे देखिएगा ये इसका रिएक्शन बता रहा है किस तरह से कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ क्या हुआ, यहां से ऑक्सीजन उतरी, BeSO4 ये आपस में मिल गए सल्फेट, और यहां से H2 और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल. अब हाइड्रोक्साइड यानी के बेस के साथ रिएक्शन करेगा बिल्कुल वैसे ही, OH यहां से चला जाएगा और BeO इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, और यहां से ये टू और ये H के साथ मिलके H2O वाटर आ जाएगा. थर्ड सेकंड पॉइंट इसका जिसमें हम बात करेंगे हाइड्रोक्साइड्स का, द अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड. अंडरलाइन कीजिएगा इसको, ये सब के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाते हैं. नंबर एक. नंबर दो, वेलकम एवरीवन हु गोइंग दे जॉइन द क्लास नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन. मुझे पता है जी हालात बड़े इस तरह से है, नेट की भी प्रॉब्लम है, आप लोग उसके बावजूद भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, लेकिन प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू वेरी मच. ओके जी, अच्छा जी, सेकंड है वेरी सोलेबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, तमाम के तमाम सोलेबल हो जाएंगे सिवाय लिथियम हाइड्रोक्साइड के, विच इज स्लाइटली सोलेबल, जो कि क्या होगी, स्लाइटली यानी कि 50% कह लें या थोड़ी कम सोलेबल होगी. दे आर generally hygroscopic. Anybody knows about the meaning of hygroscopic? Ji. Anybody knows what the meaning of hygroscopic? Kya matlab hota hai iska? Kal bhi maine aapko ek assignment di thi, abhi tak mujhe kisi ne uske bare mein bataya nahi. This is also your assignment in which you should tell me in the next period about the meaning of hygroscopic. Okay, ye aap write down kar le. And very strong bases except lithium hydroxide. Solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increase down the group.
यानी कि यहाँ पे सिर्फ अगर आपको मैं छोटा सा हिंट दूं तो इनकी सोलेबिलिटी है कि ये वाटर में किस लिहाज से सोलेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल डाउन द ग्रुप, जैसे कि आप यहाँ पे कह रहे हैं BeOH2 हाइड्रोक्साइड इज क्वाइट इनसोलेबल, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज स्प्रिंगली सोलेबल, वाइल बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सोलेबल। यानी कि जैसे ही आप मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी सोलेबिलिटी बढ़ती जा रही है। द इंक्रीज इन सोलेबिलिटी इज ड्यू टू लो लेटिस एनर्जी, यानी कि ये किस वजह से है, लेटिस एनर्जी की वजह से है ऑफ हाइड्रोक्साइड, विच इज इन टर्न ड्यू टू हायर आयनिक साइज। किस वजह से, जो कि इनका आयन का साइज है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि आयन्स का साइज बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने की एबिलिटी बढ़ती जा रही है। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर स्टेबल, यानी कि अगर जब वो अपने मेटल बनाएंगे हाइड्रोक्साइड्स के साथ तो वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे टू हीट, सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब आप कहेंगे सर ये लिथियम ऑक्साइड वेरिएशन क्यों शो कर रही है? माई डियर कैडेट्स, एज यू नो दैट वी नो अबाउट द पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। अब ये यही रीजन आ रही है कि लिथियम एक तो अपने ग्रुप के साथ वेरिएशन शो कर रही थी, अब जो बाकी सारा ग्रुप काम करेगा लिथियम वो नहीं करेगी क्योंकि ये डिफरेंट कर रही है। सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस करेक्टर। वाइल अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डीकम्पोज ऑन हीटिंग, जबकि ये बाकी क्या होते जाएंगे, डीकम्पोज होते जाएंगे हीटिंग के साथ साथ। टिल हेयर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। वेल डन, थैंक यू जी। क्वेश्चन में आपको बिल्कुल वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, सो अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज क्लाइन कॉल्ड लाइम वाटर। बेटा इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होगा वाटर में से हम क्या कहेंगे, इसको हम लाइम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये आया हुआ है आपका, एंड इज यूज एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो सस्पेंशन है उसको आप क्या करते हैं, इज यूज्ड फॉर, जिसे आप मैग्नीशिया कहते हैं, एंड इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमिक। आप मोस्टली आपने सुना होगा कि वो खाना खाने के बाद क्या हुआ जी, उनको एसिडिटी हो गई है बहुत ज्यादा। तो ये बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है एसिडिटी की, यानी कि एसिड की अमाउंट बढ़ गई है, तो आपने क्या लेना है, बेस लेनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो आप वो भुट्टा वगैरह या सिट्टा खाते हैं मोस्टली, वो लेके तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर मोस्टली लेमन लगा देता है या कोई खट्टा लगा देता है उसके ऊपर, उसकी रीजन क्या है। अब जो आपका वो जो सिट्टा है, कॉर्न छली वगैरह जो होती है, वो बेसिकली बेसिक होती है, ठीक है। अब वो उसके ऊपर खट्टा लगाता है, वो उसको क्या करता है, वो उसको एसिडिक कर देता है, यानी कि अब एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे के असर को वो जायल कर देते हैं। अब ये देखें, अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या है, ये एक बेस है इन अ वाटर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमिक, कि अगर आपके स्टमिक में कुछ ऐसा खट्टा आपने खा लिया या कुछ ऐसे मुर्ग मुसल्लम जिनमें एसिडिटी ज्यादा थी, जिसकी वजह से आपको जलन का एहसास हो रहा है और वो आपके गले तक आ रही है या आपके हलक तक वो आ रही है, प्रॉब्लम काज कर रही है, तो डॉक्टर आपको बेस देगा। अब वो बेस किसी भी शक्ल में हो सकती है, वो टैबलेट की फॉर्म में हो सकती है, वो सिरप की फॉर्म में हो सकती है, वो इस तरह का सस्पेंशन हो सकता है, मोस्टली ये सस्पेंशन आपको मिल जाते होंगे। तो ये क्या करते हैं, उसके साथ उस स्टमिक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं और एज अ बेस जाके उसको न्यूट्रल कर देते हैं, और आपको वो जो जलन का एहसास होता है या जो स्टमिक में एसिडिटी होती है उसको ये खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। टिल हेयर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। हरी अप हरी अप क्विकली, थैंक यू, वेलकम वेलकम। नहीं जी,
कार्बोनेट्स थर्ड पार्ट है जिसका, द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर ऑल सोलेबल इन वाटर, तमाम के तमाम जो है वो वाटर में सोलेबल है एंड आर स्टेबल टुवर्ड हीट एक्सेप्ट, फिर आ गया लिथियम का, क्योंकि हमने लिथियम को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, लिथियम के बारे में फिर आपको वो बता रहा है कि सिवाय इसके विच इज नॉट ओनली इनसॉल्युबल बट ऑल्सो डीकम्पोज ऑन हीटिंग टू लिथियम ऑक्साइड, द डीकम्पोजिशन इज मेड। अच्छा, ये जहां पे भी लिथियम आएगा इसमें आपने परेशान नहीं होना कि ये ऐसे क्यों है, जैसे कि हमने शुरू में ही सबसे पहले लिथियम को डिस्कस किया था, अगर आपने वो लेक्चर लेसन याद किए हुए हैं फिर आपको ये कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि लिथियम का साइज और उसमें वेरिएशन और आयनिक रेडियाई की वजह से ये वेरिएशन आ रही है। द डीकम्पोजिशन इज मेड इजी बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन कन्वर्टिंग फ्रॉम कार्बोनेट्स टू ऑक्साइड इन कंसिडरेबल। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि जो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है मेटल के ऊपर, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव, अब दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है वो कन्वर्ट कर देती है फ्रॉम कार्बोनेट टू ऑक्साइड इन कंसिडरेबल इन केस ऑफ लार्ज केटाइन। ये देखिए अब पॉजिटिव चार्ज आ गया ना के प्लस, अब इसके ऊपर क्या आया इन के टू CO3 कार्बोनेट, द गेन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज रिलेटिवली मच लेसर एंड द डीकम्पोजिशन इज डिफिकल्ट। इसकी वजह से आप इसकी डीकम्पोजिशन क्या हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, जबकि सोडियम कार्बोनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। अब इसकी बता रहा है कि सोडियम कार्बोनेट है इंडस्ट्री के लिहाज से ये बहुत ज्यादा अहम है, एट टेम्परेचर बिलो 5.2 डिग्री सेल्सियस सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम वाटर एज सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड, जिसको हम हाइड्रेटेड कहेंगे क्योंकि इसके साथ अब आप देखें कि वाटर के 10 मॉलिक्यूल आ गए हैं, यानी कि ये इस तरह से था क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, जैसे ही वाटर किसके साथ लगा विच इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। अब आपको पता लग गया होगा कि ये वॉशिंग सोडे का फार्मूला है, इसको याद कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा गया है, ठीक है, तो इसको हम वॉशिंग अबव दिस टेम्परेचर द क्रिस्टलाइज इट क्रिस्टलाइज टू सोडियम कार्बोनेट एंड ओनली वाटर मॉलिक्यूल, यहां पे जबकि 10 मॉलिक्यूल के साथ ये क्या हो जाएगा वॉशिंग सोडा आ जाएगा, ऑन स्टैंडिंग इन एयर सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड स्लोली लूज वाटर एंड कन्वर्टेड टू अ वाइट पाउडर। देखें जैसे ही हवा में रखा तो क्या हुआ, इसमें से जो 10 वाटर मॉलिक्यूल थे वो निकलना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता से, स्लोली लूज वाटर एंड कन्वर्ट टू वाइट पाउडर, जाहिर है जब पानी निकल गया उसमें से तो फिर पीछे क्या रह जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर इज बेसिक, अब ये अंडरलाइन कीजिएगा, ये भी बेसिक होता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट आयन, किस वजह से बता रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट आयन की वजह से, तो ये हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलिसिस का मैंने कल भी आपको बताया था, असाइनमेंट दी थी, इंशाल्लाह एंड ऑफ द लेसन आई विल आस्क यू अगेन कि क्या होती है। अच्छा जी, ये देखें अब ये सोडियम कार्बोनेट है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या आ गई एक बेस आ गई और कार्बोनेट आपके पास आ गया H2CO3। Unlike the alkali metals, carbonates, the alkaline earth metals, carbonates are only very slightly soluble in water, with the solubility decreased down the group. यानी कि जैसे ही आप alkaline earth metals में आते हैं तो down the group जाते हुए ये इनकी क्या करती जाती है, decrease करती जाती है। They also decompose on heating and the ease of decomposition decreases down the group. इसी तरह इनकी जो decomposition है वो भी down the group कम होती जाती है। यहाँ तक my dear, any question please raise your hand, otherwise type no. Everyone, okay, well done. सो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज होगी। लास्ट पार्ट है जी इस टॉपिक का, द ईज ऑफ डीकम्पोजिशन कैन बी रिलेटेड टू द साइज ऑफ द मेटल आयन, कि डिपेंड करता है कि मेटल आयन का साइज क्या है। अब बड़ा सिंपल है ये कॉन्सेप्ट समझना, देखिएगा द स्मॉलर द आयन द मोर इज द लेटेस्ट एनर्जी, जितना छोटा होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी ऑफ द रिजल्टिंग ऑक्साइड एंड हेंस हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट,
और इससे क्या होगी, जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। छोटे साइज का होने का मतलब क्या है कि उसकी लेटेस्ट एनर्जी बढ़ चुकी हुई है, यानी कि अब उसको वहां से निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इट्स मीन कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है अपनी प्रोडक्ट के अंदर। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रेट्स के बारे में। तो ये कुछ इसके तीन चार रिएक्शन है, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स ऑफ बोथ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सोलेबल इन वाटर। पहली बात बता रहा है दोनों सोलेबल है। नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम डीकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द मेटेलिक ऑक्साइड, वेयर एज नाइट्रेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम डीकम्पोज टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। यानी कि जिस लिहाज से ये होंगे उस लिहाज से ये प्रोडक्ट वहां पे देंगे। तो ये इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे लिथियम नाइट्रेट है तो अब आपके पास क्या है, लिथियम ऑक्साइड आ रहा है, नाइट्रोजन आ रही है, और सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड है साथ ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम है, उसी तरह सेम प्रोडक्ट आपके पास आ गए। कैल्शियम है, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट है। सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट डिफरेंट हो गई है। ठीक है, लास्ट है आज का सल्फेट्स के बारे में। इसमें क्या बता रहा है, ऑल द अल्कली मेटल्स गिव सल्फेट्स एंड दे आर ऑल सोलेबल इन वाटर। तमाम के तमाम क्या होंगे, सोलेबल होंगे वाटर में। अंडरलाइन कीजिएगा इसको, द सोलेबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रेजुअली डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब इनकी सोलेबिलिटी जैसे ही ग्रुप में आप नीचे आते हैं वो डिक्रीज करती है। जैसे बेरियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, आर फेयरली सोलेबल इन वाटर, जबकि कैल्शियम सल्फेट इज हाईली स्लाइटली सोलेबल, वाइल स्ट्रोनिशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट्स आर ऑलमोस्ट इनसोलेबल। क्योंकि कम हो रही है ऊपर से नीचे आते हुए, इसलिए उनकी सोलेबिलिटी में वेरिएशन आती जा रही है। कैल्शियम सल्फेट्स अकर इन नेचर एज जिप्सम। तो ये आपका जिप्सम का फार्मूला है, अंडरलाइन कीजिएगा। इसके बारे में पूछा गया CaSO4 2H2O, यानी कि दो वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ होंगे। व्हेन इट इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस इट लूज 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव अ वाइट पाउडर कॉल्ड प्लास्टर्स ऑफ पेरिस। तो इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यानी कि आप इसमें से दो वाटर के मॉलिक्यूल निकल चुके हुए हैं, लेकिन आप कहेंगे सर ये तो उतना ही है, उसने कहा 3/4 काम होने चाहिए थे। अगर आप यहाँ पे गौर से देखिएगा तो इस फार्मूले के कैल्शियम सल्फेट के ब्रैकेट में दो है। ठीक है, यानी कि ये इसके डबल होगी अमाउंट इसकी। यहाँ पे सिंगल के साथ दो वाटर के मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ पे आपके पास दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऑलमोस्ट एक है। ठीक है, हाफ ऑफ दोनों का आ गया, तो 3/4 कम किया जब हमने इसमें, तो हमारे पास ये बचा जिसके साथ सिर्फ एक ही रह जाता है। सो दैट्स अबाउट ऑल टूडेज लेसन। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज